जब रातों रात मेकर्स ने दिखाया इन स्टार्स को बाहर का रास्ता, किसी पर अनप्रोफेशनल होने का लगा आरोप, तो किसी के टैंट्रम्स ने सेट पर मचाया हंगामा। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में रिप्लेसमेंट ये शब्द काफी सुनने में आता है। आज स्क्रीन पर दिखाई देने वाला आपका फेवरेट हीरो या हीरोइन कब आपके सामने से गायब हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। हमारे स्पेशल रिपोर्ट टेलीज मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल में चलिए आपको बताते हैं ऐसे ही टीवी स्टार्स के नाम जिन्हें मेकर्स ने शो से किया आउट। शहजादा धामी प्रतीक्षा होनमुखे, ये रिश्ता क्या कहलाता है। मैं अरमान बने शहजादा और रूही के रोल में दिखी प्रतीक्षा को राजन शाही ने शो से बाहर निकाल दिया। इनका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया गया। सेट पर वो अचानक से आए और दोनों की छुट्टी कर डाली। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों सेट पर प्रोफेशनल तरीके से बिहेव नहीं करते थे। रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि दोनों लंबे समय से एक दूसरे को डेट कर रहे थे। दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगी थी। रिपोर्ट्स तो ये भी कहते हैं कि दोनों सीन के दौरान काफी डिस्टरबेंस क्रिएट करते थे और टैंट्रम्स भी थ्रो करते थे, जिसकी वजह से उन्हें शो से बाहर का रास्ता दिखाया गया। करण सिंह ग्रोवर, रिपोर्ट्स के मुताबिक करण सिंह ग्रोवर को दिल मिल गए और कबूल है से उनके अनप्रोफेशनल रवैये के कारण निकाल दिया गया था। पारस कलनावत भी राजन शाही के शो अनुपमा का हिस्सा थे। इन्हें भी रातों रात निकाल दिया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन किया था और एक शो के साथ साथ दूसरे शो झलक दिखलाजा को साइन कर दिया था। इसके बाद इनका भी कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया गया था। सुनिए तब पारस ने अपने पक्ष में क्या कहा था। दो साल की जर्नी में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए, जहाँ पर मैं अपने आप को एक कॉर्नर में आइसोलेट करने लगा, जहाँ पर मैं अपने आप में ही रहने लगा, जहाँ पर मैंने एक रूम में अपने आप को कैद कर लिया कि जहाँ जैसे कट होता था मैं उस रूम में जाके बस अपने टीवी पे कुछ भी लगाकर सोशल मीडिया पे या फिर OTT पर अपने वेब सीरीज़ देखता था। सो मैंने अपने आप को एक छोटे से कमरे में बंद कर लिया था, क्योंकि मैं चाहता ही नहीं था कि मैं किसी भी कॉन्ट्रोवर्सी में या फिर किसी नेगेटिव बातों के बीच में बैठ कर अपने आप को भी नेगेटिव बनाऊँ। सो वॉज अ ब्यूटिफुल जर्नी, बट कहते हैं ना कि हर जर्नी एक एक रोलर कोस्टर की तरह होती है। जहाँ पर खुशियाँ है वहाँ पर आपको दुख भी देखने मिलेगा, और जहाँ पर पॉजिटिविटी है वहाँ पर आपको नेगेटिविटी भी देखने मिलेगी। दृष्टि धामी, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्ट्रेस ने मधुबाला के मेकर्स पर पैसे ना देने का आरोप लगाया था। इसकी शिकायत भी की थी, जिसके बाद उन्हें शो से निकाल दिया गया था। पल्वी पुरी को सीरियल मेरी सासू माँ से निकाल दिया गया था। ई टाइम्स के मुताबिक शो के निर्माताओं ने यह फैसला इसलिए लिया क्योंकि वो सेट पर हीब और पर्ल की नजदीकियों और उनके अनप्रोफेशनल रवैये से तंग आ चुके थे। ऋतिक अरोरा, ये रिश्ते हैं प्यार के में ऋतिक अरोरा ने काम किया था। इसमें उनके अनप्रोफेशनल व्यवहार के कारण राजन शाही ने उन्हें शो से निकाल दिया था। एक्टर का कहना था कि वो COVID-19 में काम करने में कंफर्टेबल नहीं थे। वहीं मेकर्स ने बताया था कि वो इस महामारी के दौरान फीस बढ़ाने की मांग कर रहे थे। शिल्पा शिंदे, भाभी जी घर पर है में शिल्पा शिंदे के बाहर होने के बाद बड़ा विवाद खड़ा हो गया था। कथित तौर पर उन्होंने निर्माताओं पर उन्हें प्रताड़ित करने और भेदभाव रखने का आरोप लगाया था। वहीं मेकर्स का कहना था कि शिल्पा उनसे फीस बढ़ाने की लगातार मांग कर रही थी। जिया मानिक, साथ निभाना साथिया की गोपी बहू को भी शो से बाहर का रास्ता दिखाया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्ट्रेस ने राइवल चैनल के डांसिंग रियलिटी शो के लिए हामी भरी थी, जो मेकर्स को मंजूर नहीं था, और फिर उन्हें रिप्लेस कर दिया गया था, जहां उनकी जगह देवोलीना भट्टाचार्य ने ली थी। अंकिता लोखंडे, कपिल शर्मा के शो कॉमेडी सर्कस में अंकिता लोखंडे नजर आई थी, लेकिन उन्हें भी शो से बाहर निकाल दिया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक अंकिता सेट पर टाइम पर नहीं आती थी, जिसकी वजह से शूटिंग सफर होती थी। वेल के स्टार के एग्जिट ने किया था आपको हैरान परेशान, बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। और टेलीविजन से जुड़ी सारी खबरें जानने के लिए देखते रहिए हमारे चैनल टेली मसाला को।